हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और नीट एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ में आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि मोस्टली क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जाता है। इसके अंदर एक पढ़ेंगे अपन नस इक्वेशन, और 90% क्वेश्चन जो नीट के 10 साल के पेपर आप देखोगे तो उनमें मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया वो नस इक्वेशन से पूछा गया है। तो देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपन बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इसकी ब्रांच है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी इंटर कन्वर्जन है उसकी स्टडी की जाती है। दो टाइप की एनर्जी होती है, कौन कौन सी एनर्जी है? एक तो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी होती है केमिकल एनर्जी। इनके आपस में इंटर कन्वर्जन की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लिखेंगे इट इज The branch of, it is the branch of physical chemistry. It is the branch of physical chemistry which deals with interconversion of chemical energy and electrical energy is called electrochemistry. It is the branch of physical chemistry in which deals with interconversion of chemical energy and electrical energy is called electrochemistry. तो हम देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसको डील करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिएगा आपके पास में दो टाइप की एनर्जी है, एक तो होती है केमिकल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होती है, यानी केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका इंटर कन्वर्जन हो सकता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इनकी स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिएगा केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इसके लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये कौन सा सेल इसको कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी है इसमें कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो टाइप की सेल है बेटा, एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकेंड वन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो केमिकल सेल क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, केमिकल सेल है वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं यहाँ पर, उन सबको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें दो एनर्जी है उसके इंटर कन्वर्जन की स्टडी होती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है इनको डिटेल में देखते हैं। नोट कर लिया मिटा दे। अब देखिए इनके डिफरेंस देख रहे हैं, क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। एक साइड में मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी साइड में लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनमें आप देखेंगे डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस बता रहे हैं। तो पहला डिफरेंस, कौन सा सेल किस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है तो इस चेंज को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल देते हैं। देखिए फर्स्ट जो आप हम पढ़ के आए हैं अभी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, क्या बताया आपको? ये डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसके अंदर क्या पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है इसी का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं। तो सेल का बेसिक डिफरेंस देखा कि कौन सा सेल कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है। केमिकल सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसके एग्जांपल देते हैं, तो ये होते हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, ये इनके एग्जांपल। देखो डायग्राम से बता रहे, इसका डायग्राम बना रहे। देखो इस टाइप का सेल होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, ये एनोड है जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, सॉरी जिंक इलेक्ट्रोड का बना है। ये एनोड है किसका बना होता है? जिंक इलेक्ट्रोड का, ये मान लेते हैं। ये कैथोड है जो कॉपर इलेक्ट्रोड का बना है, गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट कर रखा है। ये होती है जिंक रोड, जिंक रोड, और ये क्या होता है? कॉपर रोड। बेटा इलेक्ट्रोड है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना होता है उसी के मेटल के कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो इसके अंदर भरा रहता है। जैसे जिंक रोड है तो यहां पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, कॉपर लेंगे तो किसमें डिप करेंगे? इसको उसी के आयन के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहां पर ये देखो, यहां पर हमने लिया जिंक, तो यहां पे कौन सा होगा? जिंक सल्फेट, ये इक्वल सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, इसका इक्वल सॉल्यूशन लेते हैं। और कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इसी का इनका सॉल्यूशन लेते हैं, तो यहां पर क्या लोगे? कॉपर सल्फेट, इसका इक्वल सॉल्यूशन। और दोनों को एक इन्वर्टेड यू टाइप की एक ग्लास ट्यूब है इससे कनेक्ट कर देते हैं। इन्वर्टेड यू टाइप की एक ग्लास ट्यूब है, इससे दोनों को अपन ने कनेक्ट किया, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो भरे रहते हैं, और इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। टेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसका नाम क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। ये होता बेटा आपका एनोड, ये होता एनोड, और एनोड यहां पे होता नेगेटिव पोल, और ये होता आपका कैथोड, कैथोड होता वो पॉजिटिव पोल होता, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें डिफरेंस देख रहे। तो मैंने सेल बनाया, तो हमने सेल बनाया उसमें क्या देखा, एक तो एनोड है, दूसरा क्या है? कैथोड। यहां पर एनोड किसका बना होता है? नेगेटिव पोल होता है, और कैथोड होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव पोल होगा, ठीक है। ऐसे यहां पर देखिएगा, इसके लिए भी बना रहे एनोड और कैथोड, ये एनोड है, यहां पे एनोड होता है पॉजिटिव पोल होता है, एनोड है ये पॉजिटिव पोल,
और इधर होता है केथोड़, ये कैथोड है, ये होता है नेगेटिव पोल, अपोजिट है। यहां पे देखेंगे एनोड है नेगेटिव पोल होता है, कैथोड पॉजिटिव पोल होता है, इसमें जस्ट इनवर्स है। यहां पे एनोड पॉजिटिव पोल होता है और कैथोड नेगेटिव पोल होता है, कैथोड। जैसे यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है एबी, एबी का, तो यहां पे आयनाइज होगी किसके अंदर, एबी प्लस और बी माइनस में। प्लस वाला माइग्रेट करता है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाला माइग्रेट करता है पॉजिटिव की तरफ, यानी इसके अंदर जो भी आयन है वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड है उस पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अंदर आप कह लेते हो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं, यानी उसको मेल्ट करके लिया गया है मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट। और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है। तो बेटा यहां पर देखो बेसिक डिफरेंस आपने देख क्या देखा, एनोड यहां पे नेगेटिव पोल होता है और कैथोड पॉजिटिव पोल होता है। यहां पे एनोड, एनोड पॉजिटिव पोल है और कैथोड यहां पे कौन सा पोल होगा, नेगेटिव पोल, ठीक है। अब देखो बेटा कोई भी सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस। देखिएगा यहां पे आप देख रहे हैं आगे के पॉइंट, यहां पे हमने देखा एनोड है, एनोड कैसा होता है, एनोड नेगेटिव पोल होता है, ठीक है। साथ में एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इसके ऊपर क्या होगा, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन कैसे, जैसे यहां पे जिंक है, जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा किसमें जाएगा, जेडन प्लस टू में, तो यहां पर ये यह ऑक्सीडाइज होगा, जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जेडन प्लस टू में, ठीक है। और यहां पर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है कॉपर प्लस टू का, ये रिड्यूस होता आता है कॉपर के अंदर। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है ध्यान रखिएगा, और कैथोड है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख रहे हैं क्या होगी, जिंक कन्वर्ट होगा जेडन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड की बात करें, कैथोड बेटा यहां पे हम देख रहे हैं कैथोड कैसा पोल होता है, कैथोड पॉजिटिव पोल होता है, कैथोड होगा पॉजिटिव पोल, ये होता पॉजिटिव पोल, और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होता है, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस, ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस। देखिए रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर प्लस टू ये टू इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसमें चला जाएगा, कॉपर। तो यहां पर देखो बेटा कोई भी सेल उसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक प्रोसेस होगी एनोड पे और दूसरी प्रोसेस कहां पे होगी, कैथोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, कैथोड वहां पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ओवरऑल सेल रिएक्शन में दोनों ये रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन एनोड वाली हाफ रिएक्शन कैथोड वाली, इनका सम कर देते हैं। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मैं देख रहा हूं नीचे दिखाई देगा तो नहीं फिर ऊपर लिख देंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन में दोनों को ऐड करो एनोड और कैथोड को, क्या होगा, Zn प्लस कॉपर प्लस टू कन्वर्ट इन Zn प्लस टू प्लस कॉपर, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया और राइट हैंड साइड इसको ऐड कर दिया, क्लियर हुआ। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, रेडॉक्स सेल रिएक्शन होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूं दिखाई दे रहा क्या, बिल्कुल नीचे तक दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल सेल रिएक्शन है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो गया जिंक वाला, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर प्लस टू ही कॉपर में जा रहा है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं उसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर हुआ। इसमें देखिएगा
इसमें हम देख रहे हैं इसके अंदर एनोड क्या होता है, एनोड, एनोड कैसा पोल हो गया, एनोड इज पॉजिटिव पोल, एनोड होगा पॉजिटिव पोल। और बेटा एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो ऑक्सीडेशन में देखो क्या होगा, ये आयन इसका ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आयन होते हैं वो न्यूट्रल होकर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होंगे। तो यहां पर देखो बी माइनस है बेटा, ए प्लस है। इसे अगर आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया, मीन ऑफ ऑक्सीडेशन रिमोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपने ए से इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो ये तो और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। बी नेगेटिव, इससे अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रल में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके किस में चला जाएगा, बी, और रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन इस पर जाकर डिपॉजिट हो जाता, ठीक है। ऐसे देखेंगे कैथोड, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड कैसा पोल होता है, नेगेटिव पोल, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, ए प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसमें जाएगी ए। तो बेटा ये इसका बेसिक डिफरेंस बताया किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर होता है। मन लगा के देखोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे तो बेटा यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेन और कॉपी निकाल के रखिएगा, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। एक डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड होता है वो नेगेटिव होगा, कैथोड होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहाँ पर बेटा जब भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये आयन वो अपोजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। नोट कर लीजिएगा और बेसिक डिफरेंस बताते हैं, इसको नोट कीजिएगा। लिख लिया, तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी जो किस टाइप की रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। मिटा रहे हैं इसको, आज के लेक्चर में बेटा बेसिक डिफरेंस देखेंगे, और बहुत बार ऐसा हुआ कि इनसे भी क्वेश्चन आ गया है, बेसिक डिफरेंस जो लिखते हैं ना इससे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये वाला सेल है, जब आप सर्किट कंप्लीट कर देते हो तो ये आपको क्या देता है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और ये होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आपको यहां पर देनी पड़ती है, तो ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस है, याद करो इसको किससे रिलेट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है इससे रिलेट करते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उनके लिए डेल्टा जी है, डेल्टा जी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव।
डेल्टा जी नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पे हम देखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल होता है, ये आता है, और ई होता है यहां पर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल उसका ईएमएफ होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहां पे हम देखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू प्लस में आ जाएगा एन एफ ई सेल, और यहां पर ईएमएफ प्लस एन एफ ई लिख देता हूं मैं यहां पर, और ई होता है ईएमएफ ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी, बैटरी होता है इसका ईएमएफ होता है। ई यहां पर रिप्रेजेंट करता है ईएमएफ ऑफ सेल, यहां पे ई किसको रिप्रेजेंट करता है? ईएमएफ ऑफ बैटरी, बैटरी के ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। बेटा यहां पर जो ई है इसको हम डिस्चार्जिंग पोटेंशियल भी बोल देते हैं, इसको क्या बोलेंगे? डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, ऑल्सो कॉल्ड, ये लिख देता हूं मैं, ईएमएफ इसी के लिए बात कर रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल। मान लो एक बैटरी है उसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल एक का तो 10 वोल्ट है, एक का 1 वोल्ट है, जल्दी डिस्चार्ज कौन सी होगी? 1 वोल्ट वाली जल्दी डिस्चार्ज होगी, इट मींस मोर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लेस टेंडेंसी टू डिस्चार्ज। 10 एक सेल है या एक बैटरी है उसके पास 10 वोल्ट ईएमएफ है और एक का 5 वोल्ट है, तो जल्दी डिस्चार्ज कौन सा होगा? 5 वाला हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं मोर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, मोर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लेस टेंडेंसी टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज उसकी टेंडेंसी घट जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बताया? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है और हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसके लिए डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, ई होता है ईएमएफ ऑफ बैटरी, यहां पे ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ बैटरी इसी का दूसरा नाम होता है डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, और जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी उतनी कम होती है। नोट कर लीजिए और डिफरेंस बताते हैं। नोट कर लिया, नेक्स्ट देखिएगा। अगर वर्क डन की बात करें, कौन किस पे वर्क कर रहा है, यहां पर आपने इसको सर्किट कंप्लीट कर दिया तो ये क्या करेगा? खुद वर्क करेगा, खुद इलेक्ट्रिसिटी देगा, जबकि यहां पर आपको क्या कर रहा है? सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, और यहां पर क्या होगा? वर्क डन ऑन सिस्टम। और बेटा ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है, फिजिक्स में उल्टा लेते हैं साइन, हम क्या लेते हैं? वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव लिखेंगे। वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, और वर्क डन बाय सिस्टम ये होता है नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम ये होगा नेगेटिव। ठीक है, यहां पे क्या होगा? वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, और वर्क डन ऑन सिस्टम होता है पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा बेटा, फिर से बोलें केमिस्ट्री में साइन उल्टा लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स में अपन लेते हैं उसका जस्ट उल्टा होता है। वर्क डन बाय सिस्टम क्या बोलते हैं? नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है, लेकिन फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव है और वर्क डन ऑन सिस्टम होता वो नेगेटिव है। ध्यान रखना केमिस्ट्री में पूछा है तो ये बताना, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, अब एक और बता रही, यहां पर इलेक्ट्रोड की बात आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं कैथोड एंड एनोड,
ये अलग अलग मेटल के बने होते हैं, इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड मेड बाई डिफरेंट मेटल। और यहां पर जो कैथोड और एनोड होते हैं यूज, जो इलेक्ट्रोड है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। पहले इसको लिख रहा हूं, यूज्ड इलेक्ट्रोड मे बी सेम और मे बी डिफर। यूज इलेक्ट्रोड मे बी सेम और मे बी डिफर। और यहां पे ये जो यूज इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिफर होते हैं, यूज्ड इलेक्ट्रोड ऑलवेज डिफर। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल में सेम हो सकते हैं। तो बेटा तो ये बेसिक डिफरेंस, यहां पे मैंने क्या बोला आपको कि यहां पे जो इलेक्ट्रोड यूज में ले रहे हो आप, वो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट मटेरियल के भी बने हो सकते हैं। और यहां पे यूज इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होगे, ऑलवेज डिफर होते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो वहां पर सेम भी हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, ये आपका बेसिक डिफरेंस कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ टू एनर्जीज, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इंटर कन्वर्जन के लिए दो सेल काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर ये सेल इनके डायग्राम बनाए हमने। एनोड यहां पे नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। यहां पे एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। इस वाले में देखोगे तो ये जो आयन मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं, एक्वस स्टेट में, ये न्यूट्रल होकर अपोजिट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा कोई भी सेल हो, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक ZN प्लस टू में जा रहा है, और यहां पर कॉपर प्लस टू आयन एक्वस सॉल्यूशन से किसमें चला जा रहा है, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। फिर हमने देखा ये स्पॉन्टेनियस होती है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, आप इलेवंथ के अंदर थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ के भी आते हैं, यहां पर भी डिटेल में आएगा। और यहां पर ई क्या होता है, ई एम एफ ऑफ सेल, यहां पर होता है ई एम एफ ऑफ बैटरी। और इसी का दूसरा नाम होता है डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, मोर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल लेस टेंडेंसी टू डिस्चार्ज। ठीक है, फिर बात आती है वर्क की, यहां पर वर्क डन बाय सिस्टम, और वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। और यहां पर क्या होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम, और वर्क डन ऑन सिस्टम होता है पॉजिटिव। यहां पर यूज इलेक्ट्रोड है वो डिफर होते हैं, यहां पर सेम भी हो सकते हैं डिफर भी, यहां पर डिफर होते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात आ जाए तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको स्टार्ट किया, और इसके अंदर दो सेल है जिसको आगे हमको डिटेल में डिस्कस करना है, कौन कौन से सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसकी डीप में स्टडी करेंगे। तो जो भी बताया उसको माइंड में एक बार सेट कर लीजिए कि कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी सेल हो एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।